दोस्तों, अगर अपनी तैयारी अन एकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू इंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स एक्स वाई नेवी के लिए है। देखो, पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस जीजेटी 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अन अकेडमी प्लस से, है ना। चलो, अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है राफेल करके, जो कि एयरफोर्स के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि आपका 11 तारीख से बैच स्टार्ट है और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक त्रिशूल करके बैच है, जो कि आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि ये है आपका एनडीए का कंप्लीट बैच। एक और हम लोग का नभा करके बैच है, जो कि एयरफोर्स बैच है। आपको पता है कि आरएस सर, रामस्वरूप जानी सर, इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ ये बैच स्टार्ट कर दी गई है एयरफोर्स बैच, और जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो कि ये बैच आपका 18 फरवरी से लेकर आपका 1 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा बैच और आपका 1 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, कंप्लीट बैच, है ना। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना है आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों, मेरे को 2 ही महीने का, 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT10, GJT10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा, अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT10 डाल के अप्लाई करिए, उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसे आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं, हम लोग तो पता ही है ना। चलो, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन एकेडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी करिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम देख रहे थे नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले अपने जो चैप्टर हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि रिलेटेड है अपने साधारण ब्याज चैप्टर से। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिए थे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे थे। तो जिस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ट्रिक की सहायता से सॉल्व होने वाला है तो हम ट्रिक्स भी बता देते हैं, और जिसका प्रोसेस और कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम बता देते हैं, सभी चीज़ आपको डाउट क्लियर कर देते हैं 100%। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम गौर से देखिएगा और एकदम ध्यान कंसंट्रेट करके देखिएगा, ये नहीं जो 1-2 मिनट देख के चले गए तो ऐसे में समझ नहीं आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। हमारी क्लास अगर आप कंप्लीट पूरी अच्छी तरह से करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बगल में घंटी का निशान आता है उसको भी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर में ही मिल जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि किसी धन पर 15% वार्षिक की दर से, 15% वार्षिक क्या है उसका रेट है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है कितना, 144 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है मूलधन निकालने के लिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो अपना कॉन्सेप्ट के मेथड से, मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और दूसरा जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, उसके सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, प्रोसेस से पहले चलते हैं, प्रोसेस से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो प्रोसेस इसका क्या होता है, तो देखिए मूलधन निकालना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, मूलधन को मान लेंगे कोई वेरिएबल। तो मान लेते हैं कि मूलधन क्या है, मूलधन को मान लेते हैं एक्स, ठीक है, कोई वेरिएबल एक्स मान लिया, कोई चर मान लिया एक्स, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का चर्चा कर रहा है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, तो यहां पर आप बताएंगे कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा इसका। तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो है समान रेट से बढ़ता रहता है, उसमें कोई
ब्याज का ब्याज वाला कोई बात ही नहीं है, उसमें समान दर से बढ़ता रहता है। तो एक साल का ब्याज कितना है 15% है, तो दो साल का कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं अगर x है तो मूलधन में चक्रवृद्धि मतलब ये साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन गुने समय कितना है 2 वर्ष और दर कितना है 15/100, ये हो जाएगा क्या साधारण ब्याज। ठीक है, मतलब 15 × 30 हो जाएगा 30x/100, ये हो जाएगा क्या सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि हमने मिश्रधन का फॉर्मूला आपको बताया था। मिश्रधन का क्या होता है, मूलधन इंटू क्या बताए थे 15% वार्षिक दर है ना, तो 15% वार्षिक दर है तो हम क्या करेंगे, इसको 15% वार्षिक दर है तो 100 में जोड़ देंगे, 15 तो कितना हो जाएगा 115/100 कर देंगे, और 2 वर्ष है ना तो 2 बार लिख देंगे 115/100। चूंकि हम 115/100 लिख के उसका पावर देते थे 2, तो इस पावर 2 का मतलब क्या हुआ 2 बार गुना। अब देखिए हमको सिर्फ क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, फॉर्मूला तो ये मिश्रधन का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से 1 घटा देंगे, इसका मतलब ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो x इंटू अब ये देखिए कट जाएगा कितने से, तो ये कट रहा है 20/5/100, ठीक है 20/5/100, और ये कट जाएगा 23/5/115, फिर ये भी कटेगा 23 से और ये कट जाएगा 20 से। ठीक है, तो x इंटू कितना आ गया, 23 का स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 और 20 का स्क्वायर 400, माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो गया x इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 400 होगा और 529 माइनस 400 हो जाएगा। ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 129x/400। तो ये देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना आया 30x/100 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 129x/100। तो चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है इतना, तो देखिए इसका अंतर लिख लेंगे, मतलब साधारण ब्याज कितना है 30x/100 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 129x/400 है। ठीक है, तो क्या होता है साधारण ब्याज कम होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दोनों का अंतर कितना है 144 है, देखिए घटाते हैं तो क्या होगा एलसीएम कितना आ जाएगा 400, 100 × 4 तो 30 × 4 कितना हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिए, उल्टा कर दिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है ना और साधारण ब्याज कम होता है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ज़्यादा कितना होता है 129x/100, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 400 है और उसमें से घटाएंगे कितना साधारण ब्याज को 30x/100 को, तो ये कितना है इस दोनों का अंतर है 144। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेने पर 400 आया, ठीक है 400 × 400 तो 129 × 129 ही होगा, ठीक है माइनस 4 से लगेगा इसमें, तो 4 से गुना करेंगे तो 120x हो जाएगा बराबर 144। ठीक है, तो देखिए 129x में से 120x घटा देंगे तो 9x बचेगा बराबर कितना हो जाएगा 400 × 144, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो इधर से 9 चला जाएगा सीधे भाग में, ठीक है और 9 भाग में जाएगा तो ये कट जाएगा कितने से, 9 × 9 = 54, 16 से कट गया, मतलब x का मान कितना आ गया 16 × 64 6400 रुपया क्या आ गया मूलधन आ गया। तो ये तो अपना बाय प्रोसेस चले, प्रोसेस से चले हैं तभी से आया, ठीक है लेकिन अगर हम ट्रिक की सहायता से अगर एकदम आसान से 2-3 स्टेप में सॉल्व करना चाहते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था, आपने समझ लिया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और दोनों का अंतर दे दिया हमको 144, तो दोनों का अंतर हम कर दिए 144, तो इस तरह से निकल गया। लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सेकेंड मेथड किस तरह से सॉल्व करना है, तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कितना परसेंट होगा, तो एक साल का अगर 15% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 30% होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 15%। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए पहले साल में कितना परसेंट लगेगा 15%, तो दूसरे साल भी 15% तो लगेगा ही, लेकिन इस 15 का भी 15% लगेगा, तो 15 का 15% कितना हो जाएगा, तो 15 × 15/100, 15² 225/100, मतलब इसमें जुड़ जाएगा 2.25%। ठीक है, अब टोटल प्रतिशत कितना निकला, 15 15 30 32.25% निकला। ठीक है,
32.25% क्या हो जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो मूलधन है उसका। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ 32 मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है ना, तो प्रतिशत में कितने का अंतर है, ये है 32.25 और ये है 30, तो इसमें जो है प्रतिशत में कितने का अंतर है, तो 2.25 का अंतर है जो कि रुपया में किसके बराबर है, तो 144 रुपया के बराबर है। ठीक है, तो मूलधन हमसे पूछ रहा है, तो मूलधन आखिर होगा कितना प्रतिशत, तो मूलधन तो हमेशा 100% होता है, तो 100% इसका हम निकाल लेंगे तो वही अपना मूलधन हो जाएगा। तो 1% कितना के बराबर होगा, यहाँ प्रतिशत होगा, तो 1% कितना के बराबर होगा, 144/2.25। अगर इसी तरह से हमको 100% निकालना है तो क्या होगा, 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इस दशमलव को अगर हम हटाना चाहते हैं तो फिर ऊपर 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसे कटेगा, 25 से कट जाएगा ये 25, 4 से 100, फिर 4 से 100 और 4 4 8 1 9 से कट जाएगा। ठीक है, और 25 से ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 से ये कट जाएगा 16 से। ठीक है, 9 से 16 नमा 144 होता है, तो 16 चौके 64 और 64 फिर 00। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व, दोनों ही मेथड से आंसर कितना आया अपना 6400, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट लग रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं उसका भी सॉल्यूशन। तो प्यारे भाइयों आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें देखिए कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जस्ट पिछले क्वेश्चन को जैसे दो दो मेथड से सॉल्व किए हैं, तो उसमें से जो मेथड आपको, जो भी ट्रिक आपको हल्का लगता है, जो भी कंसेप्ट आपको इजी लगते हैं, आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से, ठीक है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 1 रुपया, तो वह धनराशि क्या है। तो दोस्तों आज देखिए लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन सबको देखेंगे, हर एक प्रकार के इसी टाइप में जो थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज करके होता है, इन्हीं सभी क्वेश्चन को समझेंगे, ऑल क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वही किसी धनराशि है उस पर 4% वार्षिक की दर है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया 1 रुपया, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो देखिए यहां से कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ना, तो यहाँ पर हमको साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ेगा। तो हम चलते हैं शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 साल का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना प्रतिशत होगा ये बताएं, कितना प्रतिशत होगा। तो अगर 1 साल का ब्याज 4% है तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है, अब 2 साल का हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट से भी आप 2 साल का निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने कल बताया था, 2 गुना करेंगे और दशमलव के बाद उसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और या फिर आप चाहें तो इस तरह से 8% लिख लेंगे 1 साल का ब्याज, दूसरे साल में भी 8% लगेगा लेकिन पिछले साल वाला जो ब्याज है इसका फिर से ब्याज लगेगा, तो 8 का 8% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 8 8 64/100 होगा, मतलब 0.64 जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत जुड़ जाएगा, मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 16.64%। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो जस्ट पिछले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए हैं, ज्यादा सोचना नहीं है, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है 1 रुपया और प्रतिशत में कितने का अंतर है, तो प्रतिशत में कितने का अंतर है, सॉरी यहां देखिए 4% ही था ना, तो यहां 4% ही होगा, हमने 8 कर दिया धोखे से, थोड़ा सा मिस हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, 8.16%। ठीक है, अब देखिए इस दोनों के परसेंटेज में कितने का अंतर है, तो अंतर है परसेंटेज में 0.16 का, 0.16% का अंतर जो है कितने रुपये के बराबर है, 1 रुपये के अंतर के बराबर है। तो 100% जो होगा, 100% होगा वही अपना मूलधन होगा, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 1/0.16, तो 100% के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, तो 1 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना होगा, फिर ऊपर में 100 से करना होगा गुना। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 25 चौके 100 और 4 चौके 16 और 4 से ये कट जाएगा 25 से, मतलब 100% जो है कितना हो गया, 25 का स्क्वायर
625 रुपया। ठीक है, इसको आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। हमारा कहना यही है कि आप इसी मेथड से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अपना जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को भी भूलिए मत। ठीक है, वो भी एक्स का मानकर जो बनाए थे वो भी भूलने की आवश्यकता नहीं है, वो भी याद रखिए, वो भी ध्यान रखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना देर किए वो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन भी, जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजिंग है, बस समझने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पर समान दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 2 वर्ष के अंत में 4 रुपया है। समान दर से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का भी दर उतना ही है और साधारण ब्याज का भी दर उतना ही है। ठीक है, और अंत में क्वेश्चन के कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 5% हो तो धन बताएं, धन मतलब मूलधन बताएं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए किसी धन पर समान दर से, रेट सेम है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 2 वर्ष के अंत में, इतना 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 है। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से 2 साल का बात किया है ना, 2 वर्ष का बात किया है, भले ही गणित की भाषा में ना लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से पढ़ना है पहले। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अगर 1 साल में 5% है दर तो 2 साल में कितना हो जाएगा 10% साधारण ब्याज। अगर हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल में 5% तो 2 साल में कितना हो जाएगा 10% और दशमलव देके उसका वर्ग लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट से आप ऐसे कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल वाले के लिए हमने कल बताया था, कल का क्लास अगर आप ध्यान से किए होंगे तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 4 रुपया है। तो अब देखिए प्रतिशत में कितने का अंतर है, तो 0.25% का अंतर है, जो कि बराबर है कितने रुपए के, 4 रुपए के। ठीक है, 0.25% का अंतर है जो कि बराबर है 4 रुपये के। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा था, हमसे धन पूछ रहा है तो 100% डायरेक्ट से निकाल देंगे। तो 1% हो जाएगा किसके बराबर, 4/0.25 के, और 100% के लिए क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, 4/0.25 और गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हटाने के लिए फिर से हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 × 100 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं बचा, तो 4 × 16 और 100 से गुना करेंगे तो 00 हो जाएगा। तो मतलब सीधे अपना ऑप्शन नंबर ए आ गया करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, उसको भी समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए अपना जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 2.56 रुपए है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बड़े ही प्यारे से क्वेश्चन है, बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई आंसर होंगे। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पहले हम निकाल लेंगे, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर 1 साल में 8% है तो सिंपल परसेंट सिंपल से 16% हो जाएंगे, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो कितना प्रतिशत होगा, तो 8% है अगर 1 साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 16%, लेकिन पॉइंट के बाद इसका स्क्वायर भी लगेगा, मतलब 16.64% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, मतलब हर क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से कर लेंगे। इसमें प्रतिशत का अंतर कितना है 0.64%, ये बराबर है कितने के, 2.56 रुपया के। ठीक है, तो 100% जो होगा वही उस राशि, वही जो मेन राशि होगा वही होगा। ठीक है, तो 1% के लिए क्या हो जाएगा 2.56/0.64। अब देखिए इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे में भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो डायरेक्ट से हम पॉइंट को हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 100% के लिए क्या हो जाएगा, तो 100% के लिए 256/64 और गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से कट जाएगा, तो 100% कितने के बराबर आया, तो 400 रुपया आया। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर ए मैच हो गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्तों, कैसे 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो आप चाहें तो रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, रफ में भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं जिसका सीरियल नंबर है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए मित्रों अपना जो है ना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहता है कि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 20 रुपया, तो मूलधन क्या है। तो देखिए दोस्तों इसको थोड़े से अलग टाइप से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मूलधन को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा मेथड जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूलधन तो दो वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। तो मूलधन है एक्स, समय कितना है 2 वर्ष और प्रतिशत क्या है रेट का, तो 5% बटे 100, ठीक है। तो 5 × 2 = 10 होगा, 10 से 1 0 कट जाएगा, मतलब एक्स बटे 10 आ जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 वर्ष का अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो कितना होगा। तो मूलधन इनटू, अब देखिए 5% की दर से बढ़ रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये यहाँ पे कर देंगे 105 बटे 100। अब 2 वर्ष है ना, तो 105 को 2 बारी गुना कर देंगे, 105 बटे 100 को 2 बारी गुना कर देंगे, क्योंकि पावर 2 करना होता है अगर 2 साल के लिए है तो। अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 1 घटा लेंगे, क्योंकि ये जो अपना फॉर्मूला है किसका है, मिश्रधन का फॉर्मूला है, 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 21, ये भी हो जाएगा 20, ठीक है। तो x इंटू इसका स्क्वायर कितना हो गया, 441 बटे कितना हो गया 400 और माइनस 1, ठीक है। अब इसको अगर LCM लेके घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में 400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 एक्स बटे 400। चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा इतना रुपया और साधारण ब्याज इतना रुपया, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 20, तो हम करेंगे दोनों का अंतर कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा तो उसको हम पहले लिख लेते हैं और साधारण ब्याज कम होगा तो उसको हम बाद में लिख लेते हैं। दोनों का अंतर कितना है 20 रुपया है, तो यही एक्स हमने माना था किसको, मूलधन को, तो एक्स का मान जो आएगा वही मूलधन आएगा। तो LCM कितना हो जाएगा 400, तो यहाँ पे हो जाएगा 41x - 10 में भाग देंगे इससे, 10 से भाग देंगे तो 40 से लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40x = 20। अब 41x में से 40x जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा, अब 400 से इसमें गुना हो जाए तो 8/3 0, 8000 रुपये अपना मूलधन आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स समझने में कोई डाउट नहीं होगा, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो फ्रेंड्स देखिए अब एक टाइप के क्वेश्चंस देखते देखते आ गए अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है, तो पिछले जितने भी क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें हमने देखा था क्या 2 साल का अंतर दिया हुआ था, लेकिन इसमें दे दिया है 3 साल का अंतर, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। 3 साल का अंतर दे दिया है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 3 साल का निकालेंगे सब कुछ, ठीक है। तो देखिए 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज तो समान दर से बढ़ता है ना, तो 5% वार्षिक है तो 3 साल में तो 15% हो जाएगा, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। अब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये एक कला है, ठीक है। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो तीनों साल तो पहले 15% बढ़ेगा, 15% पहले साल भी बढ़ा, दूसरे साल भी 15% बढ़ा और तीसरे साल भी 15% बढ़ा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि पिछले साल जो भी ब्याज हुआ उसका भी ब्याज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 15% जो ब्याज था तो इस वर्ष में जो है दूसरे वर्ष में इसका भी ब्याज जुड़ जाएगा, तो 15% कितना हो जाएगा 15/100 से, तो ये हो जाएगा 225/100, मतलब 2.25% बढ़ेगा, ठीक है। अब जो ये दोनों साल में बढ़ा है ब्याज, तीसरे साल में इस दोनों का 15% बढ़ेगा, इस दोनों साल का जो योगफल होगा ब्याज का उसका 15% बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा टोटल इस दोनों तीन सभी को जोड़ के कितना आ जाता है, 15, 15, 30 और 2, 32, 32.25% आता है। अब इसका कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 15% इसका भी तो बढ़ेगा, ठीक है, तो बटे 100 हो गया। अब देखिए इसको जो है परसेंट को रहने देते हैं और इस पॉइंट को हटाने के लिए भी नीचे में 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा नीचे में 4 जीरो तो हो गए, अब इसको देखिए गुना करेंगे ऊपर वाले को, ऊपर वाले को गुना करने के बाद कितना आ रहा है, ऊपर वाले को गुना करने के बाद आ जाता है कितना, ओ सॉरी यहाँ देखिए 5, 15, 15 कर दिया ना, ये 5 ही होगा, क्योंकि 15, 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक मतलब लग रहा है रेट, हम यहाँ 15 देख के मिस्टेक कर बैठे, तो 5, 5 का 5, 5 25 हो जाएगा, तो 25 यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, ठीक है,
0.25, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया इसके कारण, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 5 5 10 हो गया, मतलब अब जो 10.25% है इसका भी 5% लगेगा, मतलब 5/100। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे में 100 से गुना करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी सा है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 5 5 25, हाथ में 2 5 2 नहीं 10 2 12 का 2, हाथ में 1 1 हो जाएगा, 5 1 5 और बटे क्या हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। नीचे में 4 0 है ना, तो सीधे से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के 4 अंक घसका देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 0.5125, इतना बढ़ जाएगा ब्याज, ठीक है। 4 अंक इधर कर दिए तो इतना ब्याज तीसरे साल बढ़ेगा, तो टोटल जोड़ के अब बताएंगे कि कितना होगा। तो 5 3 15% तो इधर हो गया, अब इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 1 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, इतना बढ़ेगा, मतलब टोटल ब्याज साथ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 15.7625%, 3 साल का निकाल लें, ठीक है। ये हो गया अपना 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और ये हो गया 3 साल का साधारण ब्याज। अब दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर है 15 घटा देंगे तो सिर्फ ये पॉइंट के बाद वाला बच जाएगा, मतलब 0.7625% बचा। 3 साल का निकालना भी कोई भारी कठिन बात नहीं है, बहुत ही ईजी सा है। अब ये प्रतिशत जो है कितने के बराबर है, 36.60 रुपये के बराबर है। तो इतना परसेंट अगर 36.60 के बराबर है इतना रुपया के, तो हमसे पूछ रहा है वह धनराशि क्या है, तो मूलधन हमको निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो 1% क्या हो जाएगा 36.60 बटे क्या हो जाएगा 0.7625। नीचे वाले का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में 1 और बाद में 4 अंक थे तो 4 0, और ऊपर वाले का पॉइंट हटाने के लिए नीचे में 1 और उसके बाद 2 अंक हैं तो 2 0। अब 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। अब इसको कैंसिल करने के बाद कितना आएगा, तो अभी कैंसिल नहीं करते हैं, यहाँ से अब 100% निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 100% निकालने के लिए 36.60 × 100 और फिर से 100 से गुना करना पड़ेगा, ये 100 तो पहले से था, अब ये 100% निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा और बट्टे 76.25 हो जाएगा, ठीक है, 76.25 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 20 5 100 कट रहा है और 5 से काटेंगे तो 5 1 5 5 5 25, ठीक है, 5 2 10 5 25, 1525 से कटा, ठीक है। अब इसको काटेंगे फिर से तो 4 5 20 और 5 3 15 और 0 5 25, ठीक है, 305 से कट गया। अब देखिए 5 से काटने का फिर से कोशिश करते हैं तो 5 6 30 और 5 1 5 61 से कट गया और 5 7 35 और 5 3 15 और 5 2 10, ठीक है, 6 1 6, ठीक है, 6 से कटेगा कितने से, फिर देखिए काटने का कोशिश करते हैं तो 61 से कट जाएगा, ये 12 से शायद कट रहा है, ठीक है, 61 से ये 12 से कट जाएगा, ठीक है, 12 से, ठीक है। तो अब कितना जाएगा, 12 4 48, 48 पे 00, मतलब 4800 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। ये काटने में जो थोड़ा सा ज़्यादा कचरा हो गया है ये आप लोग समझ लीजिएगा, काटने का काम तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का अपना सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कल जो है इससे भी थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। एक दिन के सेशन में हम लोग जो होता है करवा देते हैं, एक क्वेश्चन के आधार पर 2 3 क्वेश्चंस को करवा देते हैं, चूँकि आपको समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को, आगे के थ्योरीज को, आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो एक चीज़ तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर आप चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड लक, पढ़ते रहिए।